हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा आलू की रेसिपी, जिसे एग करी भी कहते हैं। एग करी विद पोटैटो कह सकते हैं आप। ये बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले चाहिए लहसुन अदरक और एक 2 मीडियम साइज़ की प्याज। और ये मैं अंडे 5 अंडे का बता रही हूँ। इसके लिए मैं चाहिए धनिया, इसके लिए मैं चाहिए लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1 पिंच हल्दी, गरम मसाला और नमक। और हमने 5 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह हार्ड बॉईल कर लिया। और हमने आलू लिए थे, जिसे हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है, उनको छील के रख लिया है। अब हम लहसुन अदरक और प्याज का थोड़ा सा पानी डालकर जार में अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और इसके बाद हम कढ़ाई में तेल लेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल। इसे हम अच्छी तरह थोड़ा तेज़ गर्म कर देंगे, जिससे इसकी खुशबू चली जाए। इसके बाद हम अपने अंडों को उसमें फ्राई करेंगे। और मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा हिला हिला कर फ्राई कर रही हूँ, जब तक ये रेड नहीं हो जाते, जब तक हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसी में आलू डालकर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इनको भी लाल कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह सुनहरे हो जाएंगे, जब हम इन्हें देखिए सुनहरे होने लगे हैं, जब ये इस तरह से बिल्कुल अंडे की तरह ही गोल्डन हो जाएंगे, जब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये मेथी मैंने ली है, इसको 1 पिंच मेथी लेकर मैं इसी कढ़ाई में डाल दूंगी। जब ये चटकने लगेगी तो अब इसमें मैं मसाला ऐड कर दूंगी, जो मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट पीस के रखा था वो मैं डाल दूंगी इसमें। और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने धनिया मिर्च, लाल मिर्च और ये सारे मसाले, सूखे मसाले लिए थे, उनको भी इसी में ऐड कर देंगे। और जो जार में थोड़ा बहुत लगा होता है, उसको हम पानी डालकर धोकर इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे, और चलाने के बाद इसे हम भूनने के लिए धीमी आंच पर ढककर रख देंगे। जब ये भूनेगा, देखिए ये थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको देखते रहेंगे, और ये देखिए भूनने लगा है। लेकिन जब तक हम इसे भूनेंगे, जब ये अच्छा दानेदार नहीं हो जाता, देखिए अब ये ऐसा भुनने पे हो रहा है। जब ये दानेदार तेल तो छोड़ दिया, लेकिन और दाने चटकता बहुत है, तो इसलिए आप एहतियात से इसे ढक जरूर लीजिएगा और एहतियात से करिएगा। और इसको जब तक हम भूजेंगे, दानेदार हो रहा है, और इसको बिल्कुल, इसकी भुनाई ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। अंडे और मछली के मसाले में धीमी आँच में बहुत अच्छी भुनाई होती है। जब ये दानेदार हो जाता है, तब हम इसमें अपने एग ऐड करेंगे। तो अभी तो मैं इसको भून रही हूँ, अभी थोड़ी देर और भुनेंगे। अब भुन गया है हमारा मसाला। अब इसमें हम एग जो हमने बॉईल किए थे, फ्राई करे थे वो, और अपने फ्राई किए आलू, देखिए एकदम रेड है ना आलू, इसी तरह हमें फ्राई करना, जिससे कि बहुत सोंधा सोंधा सा, बहुत खुशबूदार और सोंधी खुशबू का हमारा सालन बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा थोड़ा सा एक कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया, और ये बिल्कुल भुना भुना सा सालन अच्छा सा रहेगा। बस इसको हम पानी डाल के चला देंगे। चलाने के बाद इसे ढककर हम थोड़ी देर पकाएंगे, और हमारी ग्रेवी एकदम रेडी, अंडा करी एकदम बनके तैयार है। देखिए बहुत ही डिलीशियस। अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल और अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।